देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले इन नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हापुड़ में कोतवालीगढ़ पुलिस को मुखबिर की सूचना पर मिली बड़ी जानकारी, 10 लीटर शराब बरामद। छिंदवाड़ा में यातायात थाना प्रभारी और उनकी टीम ने स्थानीय सत्कार तिराहे पर की चालानी कार्यवाही। मऊ रेलवे स्टेशन की बहुप्रतीक्षित वॉशिंग पेट कोचिंग टर्मिनल का रेल राज्य मंत्री करेंगे लोकार्पण। राजस्थान सुमेरपुर में केनपुरा हाईवे पर दो बसों की टक्कर, हादसे में 7 की मौत जबकि 27 घायल। और 190 करोड़ की लागत से बना मेडिकल कॉलेज ग्वालियर चंबल संभाग के सभी युवाओं को समर्पित। और अब रुक करते हैं खबरों के। हापुड़ में थाना प्रभारी रविंद्र कुमार राठी ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर युवक को गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में 10 लीटर शराब के साथ बरामद किया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार राठी ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर युवक को गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में 10 लीटर शराब बरामद की और बताया गया कि कई सालों से सप्लाई कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर इस ऑपरेशन को काफी दिनों से टारगेट किया जा रहा था, जिसको लेकर कल ऑपरेशन कामयाब हुआ। एक लड़का पकड़ा गया, 10 लीटर शराब के साथ निवासी भैंस सोड़ा का है, थाना सियाना जिला बुलंदशहर का निवासी बताया जा रहा है। हापुड़ से संवाददाता आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट HBN न्यूज। छिंदवाड़ा में यातायात DSP सुदेश सिंह के नेतृत्व में यातायात थाना प्रभारी दिनेश बैन और उनकी टीम द्वारा स्थानीय सत्कार तिराहे पर चालानी कार्यवाही की गई। छिंदवाड़ा में यातायात DSP सुदेश सिंह के नेतृत्व में यातायात थाना प्रभारी दिनेश बैन और उनकी टीम द्वारा स्थानीय सत्कार तिराहे पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर और बिना लाइसेंस के वाहन चालकों पर, 3 सवारी बैठे हुए वाहन चालकों पर और यातायात द्वारा दिए गए नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ, सिग्नल तोड़कर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाने की हिदायत दी गई। इसमें यातायात TI दिनेश बैन, सूबेदार कमला कुशवाहा निर्मल कर द्वारा वाहन चालकों को समझाइश दी गई और 3 सवारी शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के चालान काटे गए। इसी कड़ी में TI थाना कोतवाली द्वारा भी पैदल चल फ्लैग मार्च चलाया गया और रास्ते पर गलत तरीके से खड़े हुए वाहनों को हटवाया गया और वाहन चालकों को शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए समझाइश दी गई। आज यातायात पुलिस द्वारा सत्कार चौराहे पर गाड़ी शराब पिए हुए, काली फिल इत्यादि धाराओं में कार्रवाई के लिए चेकिंग लगाई गई है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से संवाददाता समी सोनी की रिपोर्ट HBN न्यूज। विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती पर बने मऊ रेलवे स्टेशन की बहुप्रतीक्षित वॉशिंग पेट कोचिंग टर्मिनल का रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया जाएगा। विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती पर बने मऊ रेलवे स्टेशन की बहुप्रतीक्षित वॉशिंग पेट कोचिंग टर्मिनल का रेल राज्य मंत्री मनोज सिंह सिन्हा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर मऊ की जनता काफी उत्साहित दिख रही है। लगभग 15 करोड़ की लागत से बनकर तैयार वॉशिंग पेट और कोचिंग टर्मिनल का जायजा वाराणसी मंडल के अधिकारी कैलाश राम ने लिया। इस संबंध में मंडल अधिकारी कैलाश राम ने बताया कि तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जो कल रेल राज्य मनोज सिन्हा द्वारा गाजीपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वॉशिंग पेट का लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा जो भी समस्याएं इसमें आ रही हैं उसको ठीक किया जाएगा। हालांकि मऊ की जनता अब्दुल रहमान ने बताया कि वॉशिंग पेट कोचिंग टर्मिनल बनने से मऊ के लिए ये एक बड़ी सौगात है, लेकिन समस्या ये है कि वॉशिंग पेट बनने से लोगों का रास्ता लंबा हो जाएगा। कहा कि हम लोग अगर रेलवे ट्रैक पार करके जाते हैं तो पुलिस पकड़कर चालान कर देती है, जिससे हम लोग आहत हैं, इस समस्या का भी निदान किया जाए। बासिंग पिट से यहाँ जो गाड़ियाँ चलाई जानी है, नया बासिंग पिट नवनिर्मित हुआ है, इससे गाड़ियाँ लेनी है हम लोगों को, तो इसकी तैयारी की गई है और कल यहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे, झंडा यहाँ दिखा के इनॉग्रेशन किया जाएगा कल। इसकी तैयारी के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं, देखते हैं क्या क्या भरपूर तैयारी कर सकते हैं। सर नहीं, उसका देखा जा चुका है, थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो हम दूर कर देंगे, रात में उसको इनॉग्रेट करके मतलब ठीक करके सारी समस्याएं दूर करके हम उसको इनॉग्रेट करें। बोला जाता है हमको तो बहुत बहुत काफ़ी खुशी है, हमको गर्व है इस बात का कि भाई हमारे मऊ जैसे शहर में मतलब एक वॉशिंग पेट टर्मिनल मिल रहा है हमको, है ना। और लेकिन एक बात यह है कि हमारी ये 80% आबादी इस साइड में है, हमको इस साइड में जाने के लिए हमको क्या कोई सुविधा दे रहे हैं आप? हमको सुविधा चाहिए ना भाई, 80% आबादी इस साइड में है,
तो हमको हम कैसे जाएंगे इस स्टेशन पे, हमको चाहिए इसकी सुविधा, हमको चाहिए। तो फिर हम लोगों की डिमांड जो हो कैसे पूरी होगी, हमको तो भाई हमको सही बात, हमको रास्ता तो चाहिए भाई, हमको रेलवे हमको रास्ता दे भाई, हम जाते हैं ऐसे टिकट प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हैं, हमको पुलिस पकड़ लेते हैं कि ये टिकट टिकट। अब सवाल ही बात का इस साइड में बुकिंग भी नहीं है, हमको बुकिंग भी इस साइड में रहती है, टिकट यहाँ से आदमी लेकर अपने चला था प्लेटफॉर्म पे, कोई दिक्कत नहीं होती हमको। मऊ से संवाददाता उमाकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। राजस्थान सुमेर के पाली जिले के सांडीराव थाना क्षेत्र के केनपुरा के पास एक खड़ी बस को ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरी बस पीछे से टकरा गई और बस में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 की गंभीर हालत अवस्था में अस्पताल पहुंचने के दौरान इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान सुमेरपुर के पाली जिले के सांडेराव थाना क्षेत्र के केनपुरा के पास एक खड़ी बस को ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरी बस पीछे से टकरा गई, जिससे बस में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के लिए दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 27 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सोनी, सांडेराव थाना अधिकारी धोलाराम सुमेरपुर समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर रहे और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से पाली समेत अन्य अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि अहमदाबाद से पाली की तरफ जा रही बस केनपुरा के पास आगे खड़ी बस से भिड़ गई और बस को चीरते हुए निकल गई, जिससे बस में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 27 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वीडियो कोच खड़ी जो सवारी उतार रही थी उसको पीछे दूसरी वीडियो कोच ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी है। बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की डेथ हो गई। इलाज के दौरान भी लगभग 2 लोगों की और डेथ हो गई, तो अभी तक 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 2 दर्जन के आसपास लोग घायल हैं। घायलों का इलाज CSC सांडेराव, रानी और सुमेरपुर और पाली के हॉस्पिटल में चल रहा है। कुछ गंभीर घायलों को हमने MDM हॉस्पिटल जोधपुर में शिफ्ट किया है। मौके पे बड़ी मुश्किल से 2-3 क्रेन मंगवाई जाकर डेड बॉडी जो फंस गई थी उनको निकाली है, यातायात सुचारू कराया है, घायलों का भी इलाज चल रहा है, बाकी हम जो कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ कर रहे हैं। सुमेरपुर से संवाददाता पुखराज कुमावत की रिपोर्ट, HBN न्यूज। गुना सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी ही नहीं बल्कि पूरे ग्वालियर संभाग के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सपना देखा। सिंधिया ने शिवपुरी में 190 करोड़ की लागत से बना मेडिकल कॉलेज ग्वालियर चंबल संभाग के सभी युवाओं को समर्पित किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गुना सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शिवपुरी ही नहीं बल्कि पूरे ग्वालियर संभाग के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सपना देखा गया। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज का सपना आज साकार होकर जमीन पर उतर गया। सिंधिया ने शिवपुरी में 190 करोड़ की लागत से बना मेडिकल कॉलेज ग्वालियर चंबल संभाग के सभी युवाओं को समर्पित किया। ब्यूरो न्यूज शिवपुरी, मध्य प्रदेश, HBN न्यूज। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।